हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। आपने तो फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम अच्छे से दे दिया, लेकिन स्टूडेंट्स अब बचा है सिक्स सेमेस्टर। लास्ट भला तो यानी अंत भला तो सब भला ना। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहला सेमेस्टर से लेके पांचवा सेमेस्टर तक जितना मेहनत किए उससे भी ज्यादा मेहनत इस बार करना है। इतना जोर लगा देना है कि सबको 600 पार हो जाए, यानी सबका टारगेट रहना चाहिए 650 नंबर का। यानी इससे पहले अगर किसी सेमेस्टर में थोड़ा कम मार्क्स आ गया, यहाँ पे लेपापोती हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग से बस एक ही बात करना है, जहां पढ़ना है जैसे भी पढ़ना है, लेकिन इस बार एकदम मन से पढ़ना है स्टूडेंट। इसीलिए माही टेक्निकल क्लास में सिक्स सेमेस्टर के लिए अच्छे अच्छे टीचर लाया सिर्फ आपके लिए। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ कि सभी ब्रांच के और सेमेस्टर के लिए तीन तीन टीचर की सुविधा कर दिया हूं। इसीलिए मैं ऐसा किया हूं ताकि आपका सिलेबस समय पे और अच्छे से समाप्त हो। टीचर कम कर दूंगा तो सिलेबस कंप्लीट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसीलिए स्टूडेंट तीन तीन टीचर मिलेंगे। और नए नए टीचर यहाँ इस बार प्रोवाइड किया गया, कुछ पुराने भी हैं कुछ नए भी टीचर हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ स्टूडेंट्स मतलब कंप्यूटर में पीएचडी कर चुके हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे टीचर हैं जिनसे पढ़ने को आपको मौका मिलेगा। तो स्टूडेंट, सबसे मैं पहले कह देना चाहता हूँ कि जो भी ब्रांच है सिक्स सेमेस्टर का, उसका कब से क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्स सेमेस्टर, जहाँ पे आपको सौरभ सर से पढ़ने का मौका मिलेगा। वैसे सौरभ सर के नाम बता रहा हूँ जो कि 4 से 5 साल तक कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं ना। तो स्टूडेंट्स, वो सर इस बार माही टेक्निकल क्लास में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत हमारे लिए और आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। स्टूडेंट्स, 21 मार्च से सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए जरूर डेमो क्लास करिएगा। एक बार क्लास कर लीजिएगा तो फिर भूलिएगा नहीं, ठीक है। मुझे भूल जाइएगा लेकिन सर को नहीं भूलिएगा। तो ऐसे टीचर जो इस बार माही टेक्निकल क्लास से जुड़े हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्स सेमेस्टर 21 मार्च से, ध्यान रखिएगा 21 मार्च यही 4-5 दिन के बाद क्लास आपका स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बाद सिक्स सेमेस्टर कंप्यूटर का 17 मार्च कंप्यूटर के स्टूडेंट्स 17 मार्च याद रखिएगा, जहां आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। और यहां भी आपको तीन टीचर मिलने वाला है, यानी 2 महीने में आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करवा दूंगा। सिविल सिक्स सेमेस्टर 21 मार्च से, इलेक्ट्रिकल सिक्स सेमेस्टर 5 अप्रैल से, और इलेक्टिव पेपर ऑल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए जो सिक्स सेमेस्टर में है वो 21 मार्च से। चाहे वो किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, उन्हें इलेक्टिव पेपर पढ़ना पड़ता है और सेम ही रहता है, मैनेजमेंट रहता है। तो बहुत अच्छा पेपर है, अगर आप लोग उसको खुद से कर लेते हैं तो कर लेना अच्छी बात है, अगर खुद से नहीं होता है, अगर कोचिंग की जरूरत पड़ जाता है तो स्टूडेंट्स आपको बीपीएससी होल्डर टीचर जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर है उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। यानी इलेक्ट्रिक पेपर, ये सभी ब्रांच का कॉमन पेपर होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, एग्रीकल्चर हो, टेक्सटाइल हो, कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट है इलेक्ट्रिक पेपर पढ़ना है तो 21 मार्च से माही टेक्निकल से जरूर जुड़े। स्टूडेंट्स, इस बार जो भी टीचर आए हैं बहुत ही अनुभवी, बहुत अच्छे मेहनती है। आप सर से जुड़िए, टेक्निकल मतलब माही टेक्निकल क्लास से जुड़िए, आपको पढ़ने का अच्छे अच्छे टीचर से मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप अपना जो भी ब्रांच आपका है आप डेट नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि कितने तारीख से क्लास ओपन होने जा रही है। स्टूडेंट आप कहोगे कि सर 19 तारीख से 20 तारीख तक में प्रैक्टिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल की जगह 17 से लेके हम लोग 18 तक क्लास करेंगे, 17-18 करेंगे ना, 19 को फिर अपना प्रैक्टिकल दीजिए, फिर 21 तारीख से लेके कंटिन्यू हम लोग 25 तारीख तक क्लास करेंगे, फिर 25 के बाद छुट्टी दे देंगे होली के ना, इतना दिन तो डेमो क्लास चलेगा। फिर अब अप्रैल में आइए, होली के बाद आइए, उसके बाद अप्रैल में, उसके बाद क्लास चलेगा धुआंधार बहुत बढ़िया से चलेगा, ठीक है। और आप लोग इस बार जरूर मेहनत करिएगा, जहां पढ़ना है अच्छे से लेकिन पढ़ना है, और माही क्लास से जुड़िएगा यहाँ पे तो आपके साथ हम भी मेहनत करते हैं, आपको तो पता ही है।
और जो भी टीचर नया नया आए हैं आपके साथ बहुत अधिक मेहनत करेंगे, क्योंकि आपका 6 सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है जिसमें आपको अच्छा मार्क्स आए, इसीलिए आपके लिए मैं अच्छे अच्छे टीचर लाए हैं और आपके साथ मेहनत करेंगे, हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इंतजार रहेगा आप लोग का, आप आइए 21 मार्च इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, 17 मार्च कंप्यूटर साइंस के लिए, 21 मार्च सिविल के लिए, 5 अप्रैल इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है, और सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए इलेक्टिव पेपर, चाहे कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं फिर ऑफलाइन क्लास में।